एक लड़की है नैन्सी, उसने पूछा गर्ल्स की एज क्या है। तो भाई गर्ल्स की एज जो ऐसे तो हर किसी की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। और पहले हमने बता ही दिया था एंट्री प्रोसीजर क्या है, एमाउस की प्रीवी की और हर्मिस की। तो आज है वेडनेसडे और आप लोगों का जो फेवरेट पार्ट होता है मैं बता देता हूँ, कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है हमारी ऐप के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो और एंट्री भी ले सकते हो। तो भाई मैं आज जाने से पहले ना एक बात कर देता हूँ, मैं जो आप लोग कमेंट करते हो ना मैं पढ़ लेता हूँ पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा हाथ या ब्रेन कहीं ना कहीं बिजी होता है तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता, और बहुत से रीज़न है शायद इसलिए भी नहीं दे पाता, बट मैं रीड कर लेता हूँ। तो मैं और अपनी वीडियो में जरूर उनके बारे में बोल रहे, हिमांशु तोमर के बारे में बताया था, एक लड़की है नैन्सी, उसने पूछा था गर्ल्स की एज क्या है। तो भाई गर्ल्स की एज जो ऐसे तो हर किसी की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसकी सेम एज होती है 25। उससे नीचे क्लबिंग लोग नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट रूल है बेसिकली, जो बात तो ये है सीधी सीधी। अब बाकी आप अपने ऊपर देख लो कैसे क्या करना है आपने, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि लोग पूछे भाई आप काम क्या करते हो, भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरी कंपनी है, मैं उसको रन करता हूँ और मेरे अक्सर मैं अपने व्लॉग में बताता ही हूँ ये, है ना। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी इंस्टा पे लाइव आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब मैं क्लब में जाता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब मोस्टली 5 या 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लाइव आता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, लाइव चीज़ें बताता हूँ क्लब के बारे में, तो आप वो मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और यूट्यूब पे मैं भी लाइव नहीं आता क्योंकि वो रिकॉर्डेड हो जाती है, फिर मतलब डाटा में रहती है, आप उसको देख सकते हो, और वो मेरे को ठीक नहीं लगता यार, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी लाइव नहीं आता, बट इंस्टाग्राम पे लाइव आता क्योंकि उसमें ऑप्शन है कि आप हटा सकते हो। तो ये सब चीज़ें करता हूँ मैं, हरकतें आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है इंटरेक्ट करना आप लोगों से, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ। हेलो एवरीबॉडीज, बॉम्बे में दारू पिएगा 15 दिन भाई, मीटिंग में चल रही है बकचोदी जो कि ठीक नहीं है घुसना। हम जाएंगे क्लब के अंदर, सीनियर्स वी आर हियर एट दी एमाउस। गाइस मैंने लाइव पे नहीं बताया, जब मैं लाइव था ना तो मैं बताया नहीं, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्यों बताऊँ। मिस्टर हापा, क्या हाल मिस्टर हापा, आज पकड़ने वाले हो नहीं पकड़ने वाले? Kannada is just started guys, behind my back. We are here at the MF right guys now. और अब क्लब मोड स्टार्ट हो गया और हमें बाहर जाना पड़ेगा। वैसे तो स्टार्टिंग में टेक्नो नाइट कर रहा हूँ, टेक्नो म्यूजिक स्टार्ट करता वो, बट आज नहीं किया ना उसने टेक्नो। हेलो गाइस, दे आर ओनली 2 गाइस। हेलो गाइस, क्या हाल है गाइस? वेरी गुड गाइस। आज कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा है, वाइट शर्ट में टक वक पूरी बात ठीक सा टक्कर गया, देख लो लोंडे का पूरा टक वक। हेलो, पेट पर मत जाना, थोड़ा सा हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ी हुई है भाई की। क्या लगा गाइस? वेरी नाइस, हाउ आर यू? स्माइल देख रहा हूँ रविंद्र जी। हेलो इतरज जी, कहाँ थे आज, आप इतना लेट कैसे हो गए? बरेली बुलेट पे, कार से? मुझे लगा बुलेट, भाई ये भी बुलेट के बहुत शौकीन है हमारे मिस्टर इतरज जी। थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे हम, पर हमने कहा नहीं क्लब में जाने का टाइम हो गया, क्योंकि टाइम हुआ ये 12:46। स्टार्ट हो गया भाई, आई टोल्ड यू टेक्नो स्टार्ट कर देता है बहुत जल्दी। बोला था ना मैं टेक्नो स्टार्ट कर देता है, देखो टेक्नो ही चल गया, चला रखा है क्लब मोड तो स्टार्ट में, थोड़ी गाड़ी में क्या बैठने गया था मैंने क्लब मोड, हाँ मजा आ रहा है टेक्नो में।
बिहाइंड माई बैक गाइस द एंट्री जस्ट स्टार्टेड. दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा है ना. और पहले हमने बता ही दिया था एंट्री प्रोसीजर क्या है, एमाउस की प्रीवे की और हर्मिस की. फ्री एंट्री है कपल एंड सिंगल लेडीज़ की हमारी ऐप के थ्रू. कई लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखते क्योंकि उसमें वो लोग पूछते ही हैं फ्री एंट्री क्या है, कमेंट करके पूछते हैं. भाई आप मेरा ब्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा कि एंट्री चार्जेस क्या होती हैं. और जनरली मैं अपने ब्लॉग में बताता ही हूँ सब चीज़ें मैं, है ना. स्टार्टेड गाइस, हाँ जी मैडम. कहाँ बोल रहे हैं मैडम? हेलो कोई लड़के एक्चुअली भी क्या हो रहा है गेट पे, वाह बैंड थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं तो अब दूसरे आद गए हैं वो लगवाएंगे तेज बैंड. वो थोड़ा सा स्लो लगा रहे थे, लाइन लग गई. ये होता है भाई गेट पे, वो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया बैंड लगाने, अदरवाइज वो अंदर ही रहता था ड्यूटी डीजे कंसोल के पास. ये सीन है भाई हमारे अंदर क्लब का. देखो अब चल रहा है ना तेज बैंड. अब है हालांकि अब दो बंदे हैं बैंड लगाने वाले. जब सिंगल बंदा बैंड लगा रहा था थोड़ी दिक्कत हो रही थी. ये हमारा व्यू गेट क्लब का, गेट का मतलब. एकदम खाली हो गया ना, अभी एकदम भरा हुआ था. वही चलता है भाई, अच्छा भी लगता है. बट अब धीरे धीरे क्लब अंदर से पैक हो जाएगा. और एकदम ना ट्रेन से आती है भाई लोगों की, एकदम लोग इकट्ठे होके आते हैं. ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से एकदम इकट्ठे होके आते हैं, बट आते हैं. और अच्छा लगता है ये गेट का व्यू. चल रहा है, आओ आओ.
भाई ये हमारे सिक्योरिटी हेड है, इनके ऊपर दूसरे हेड है मुझे वहाँ बैठे हुए हैं, खलीफा जी, खलीफा गर्जी भाई नॉट खलीफा जी, ये प्यार से उनको बोलते होंगे बट भाई मैं नहीं बोल सकता क्योंकि भाई के गो क्लब ऐप में जरूर ज्वाइन करें, क्लब गो ऐप नॉट क्लब गो, दोबारा से बोल दूँ फिर? हाँ नहीं रहने तो चलेगा, ये थोड़ा स्लो है ना चलाने में, सरदार बहुत तेज़ी से लगाते ना बैंड। माई नाइट इज़ अबाउट टू फिनिश भाई, मेरी वेडनेस नाइट तो ख़त्म हो रही थी, ख़त्म सी हो रही है, थोड़ी देर में मैं घर जाऊँगा, मेरा एक दोस्त आ रहा है चौकी की, साढ़े क्लब नहीं आते, ये अच्छी बात है नहीं आते क्योंकि आएंगे तो फिर पैसे देने पड़ जाते हैं ना, अच्छी बात है। फ्री थी हमारी वेडनेस नाइट और फ्री ड्रिंक्स वाला जो लड़कियों का सिस्टम था वो धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, अब लोग बाग मुझे देख रहा हूँ, सबसे पहले की ने ख़त्म किया था, अब एम हाउस ने भी धीरे धीरे अपने हाथ खींचना स्टार्ट कर दिए कि अब ड्रिंक्स फ्री नहीं करेंगे लेडीज़ की, अब मतलब करेंगे बट इतनी अनलिमिटेड नहीं हुआ करेगी। अब ये रीज़न तो मेरे को भी नहीं पता भाई कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया, बट ये सबसे पहले की ने किया था कि अनलिमिटेड ड्रिंक्स बंद करी लेडीज़ की, टू कूपन स्टार्ट करें, अब यहाँ पर एम हाउस में भी वही सीन हो रहा है कि अनलिमिटेड ड्रिंक्स बंद भाई, और ये भी सही है, जो सही है वो गलत है सो गलत है भाई, अब हम इसको कुछ कर नहीं सकते, हमें जो ऑफ़र मिलता है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं यूज़र्स के लिए, राइट आई एम राइट आई एम राइट आई एम राइट, ठीक है। और सीन ऐसा समझ में ना जाने जैसे दो तीन एक बड़ी रेड लाइट जब से हुई है ना बड़ा संभल की गाड़ी निकालनी पड़ती है भाई यहाँ से, कभी भी कुछ भी हो जाता है। वो देखो कहा था ना मैंने, वो देखो ट्रक जा रहा है, लाइट हमारी है बट हम भी तो नहीं मानते जब आगे निकलते हैं, दूसरा क्यों मानेगा। तो कल भाई फ्राइडे है और दीप झंडू आ रहा है हरमेस गुड़गांव में, आप जा सकते हो अगर आपने उसके गाने सुने होंगे तो, ये उसका गाना है सुन लिया, ये भाई आ रहा है और एंट्री चार्जेबल होगी, कपल एंड सिंगल लेडीज़ की या मेल स्टैक सब चार्जेबल है, कोई फ्री नहीं है, तो आप बड़ी खुशी से जा सकते हैं, और बाकी रेस्ट जो प्लेसेस हमारे ऐप के अंदर उनकी फ्री एंट्री है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो जा सकते हो बड़ी खुशी से, आप लोग मोस्ट वेलकम उन जगहों पर हमारे थ्रू, और गाने हमने चला दिए हैं।